हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। और यार क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए प्रिंटेड पेज मस्ट कंटेन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, देयर आर टू बी मार्जिन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन इधर साइड एंड मार्जिन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन द टॉप एंड बॉटम, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द लाइन एंड वाई बी द विड्थ ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल बेस्ड ऑन अबाउट इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं यार क्या क्या है। ये एक प्रिंटेड पेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंटेड पेज जो आपका मैं जहां से मार्कर घुमाऊंगा उसके अंदर अंदर का होगा, ध्यान दे लेना। ये देखो इसके अंदर अंदर का प्रिंटेड पेज है ये वाला, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसको ये डार्क सा, ये आपका प्रिंटेड पेज है ना, इसके अंदर अंदर का आपका प्रिंटेड पेज है ये। ये कहता है कि ये कंटेन करता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड मटेरियल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड मटेरियल ये कंटेन करता है। फिर कहता है कि यहां पे जो मार्जिन है 5 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर है साइड का, एंड मार्जिन 3 सेंटीमीटर टॉप का है, बोल रहा है बकायदा फिगर में दिख भी रहा होगा, और 3 सेंटीमीटर बॉटम का है। कहता है कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द लाइन, लेट एक्स बी द ये एक्स ये लेंथ है, यहां से यहां तक ये एक्स लेंथ है, एंड वाई बी द विड्थ ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल, और ये यहां से यहां तक आपको दिख रही होगी ये लाइन क्या है आपकी विड्थ है, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल की। बेस्ड ऑन अबाउट इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यार ये बिल्कुल आसान सी चीज है, एक्स एंड वाई के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक रेक्टेंगल है, अरे बच्चों ये आपका क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू में ब्रेथ या लेंथ इंटू में विड्थ भी कह सकते हो। लेंथ कितनी आपकी एक्स और विड्थ कितनी आपकी वाई, तो एक्स इंटू वाई दे भी रखा है यार इसका जो एरिया, इसका एरिया दे भी रखा है, कहता है ना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल है, तो यही रखता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्स इंटू वाई आपका 60 के बराबर आएगा, यहां पे किसके बराबर आएगा 60 के बराबर, गिवन कर तो रखा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड जो पेज है मस्ट कंटेन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड मटेरियल, तो ये वाला है तो रखता है भाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड मटेरियल। तो यहां पे आप कह सकते हो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है लेंथ इंटू में विड्थ एक्स इंटू में वाई जो दे रखे 60, तो यहां पे एक्स और वाई में आपके सामने रिलेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 60 जो ऑप्शन डी के अंदर है। यस प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी यहां पे होगा आपका बिल्कुल सही। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब बच्चों, अपने सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे कि व्हाट विल बी द टोटल एरिया ए ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले क्वेश्चन में जो बात हुई थी वो किस पेपर की हुई थी, जो प्रिंटेड पेज था उसकी बात हुई थी, अब टोटल पेपर की बात हो रही है, टोटल पेपर का एरिया बताना आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और वो ए नाम से इन्होंने डिनोट कर रखा है। तो यार टोटल पेपर का एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ पता होनी चाहिए और इसकी विड्थ पता होनी चाहिए। लंबाई कितनी होगी, देखो भाई ये आपकी x है, पांच ये ऐड करोगे, पांच ये ऐड करोगे तो 10 ये हो गई, तो x प्लस 10 तो इसकी लंबाई हो गई, x प्लस 10 तो इसकी क्या हो गई लंबाई, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये यहां से प्रिंटेड वाला तो y है, ऊपर 3 प्लस 3 ये, तो y प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपका यहां पे एरिया होने वाला है जो ए से डिनोट करना है। यस प्यारे बच्चों, किससे डिनोट करना है, ए से। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस 6, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में आपका यहां पे एरिया आ तो गया इस पेपर का, टोटल पेपर का एरिया, तो एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहां पे होता अपना सही। प्यारे बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे, यस थर्ड क्वेश्चन, अपने थर्ड क्वेश्चन में कह रहे कि व्हाट विल बी द टोटल एरिया ए ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ एक्स, टोटल पेपर जो है उसका एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो इससे पहले हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई बताया था, और उससे पहले हमने जो प्रिंटेड पेज है उसका एरिया बताया था एक्स वाई के टर्म्स में, 60 दे भी रखा था इक्वल रखा। तो यहां पे अब टोटल पेज का एरिया क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स बता दो। तो यार ये एक्स वाई में है, अगर मैं यहां से y निकाल के, जो पहले पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया था पहला क्वेश्चन, उसमें से मैं y निकाल के इसमें रख दूं तो इन टर्म्स ऑफ x एरिया आ जाएगा बिल्कुल। तो यहां से हम y निकालते हैं, y कितना मिलेगा
60 अपॉन एक्स, और इस y इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स को हम यहां पे रखने वाले हैं। तो ये टोटल पेज का एरिया है ये इन टर्म्स ऑफ x में आ जाएगा, a इज इक्वल टू x प्लस में tan इंटू में y की जगह रख दो भाई 60 अपॉन में x प्लस में 6। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे फिर देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में ये मैच करता है। तो यहां से देखिए ध्यान से, आप इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, निकाल लो कॉमन और आगे आगे ले आता हूं मैं 6 कॉमन यहां से मैं आगे आगे ले आया क्योंकि मल्टीप्लाई में ना सब, तो x प्लस में tan यहां से बचा और यार यहां से 6 कॉमन जाने के बाद tan अपॉन में x प्लस में 1 बचा। थोड़ा और सोल्व करते हैं, 6 को बाहर ही रहने देते हैं, 6 को बाहर ही रहने देते हैं, x की मल्टीप्लाई करते हैं पहले अंदर, x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x से x कैंसिल होके tan बचेगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस का x आएगा, और जब यार tan की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 100 अपॉन में x आएगा, और जब tan की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो tan आएगा। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, a इज इक्वल टू 6 इंटू में 10 प्लस 10 बन गया आपका 20 प्लस में x प्लस में 100 अपॉन में x, और अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही बैठता है। तो ऑप्शन यहां पे आप देख पा रहे होंगे बी अपना बिल्कुल सही बैठता है, यस प्यारे बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो एरिया है मैं यहां पे लिख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स क्योंकि अगले पार्ट में हो सकता है इसका यूज हो जाए, 6 इंटू में 20 प्लस में एक्स प्लस में 100 अपॉन में एक्स, ये टोटल पेज का एरिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स। बहुत आसानी से निकाला हमने क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो निकाल ही रखा था, उससे पहले हमने प्रिंटेड पेज का एरिया निकाल रखा था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो वहां से मैंने वाई निकाल के यहां पे पुट कर दिया और सोल्व किया तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एरिया आ गया टोटल पेज का और ऑप्शन बी यहां पे हो गया सही। एरिया मैंने यहां लिख लिया, हो सकता है ये यूज हो जाए इसलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अरे बच्चों अपने फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे कि हाउ लॉन्ग शुड द प्रिंटेड लाइंस बी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पेपर यूज। तो यार यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, बतानी है x की वैल्यू और वो कैसे आएगी आप अच्छे से जानते हो, एरिया का हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और उसको रखेंगे जीरो के बराबर, और मिनिमाइज की भी बात कर रहा है तो मिनिमाइज चेक करना चाहो तो कर लेना सेकंड डेरिवेटिव करके, आप वो एक्स की वैल्यू एरिया के अंदर, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव करके वो जो आपकी एक्स की वैल्यू आई वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना, वहां पे जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा पॉजिटिव, तो आप वहां पे कह सकते हो मिनिमाइज। तो हमें तो फिलहाल एक्स की वैल्यू बतानी, तो सिंपल से हम बता देंगे कैसे, देखिए डी ए बाई डी एक्स कर लो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे तो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको रखेंगे जीरो के बराबर, पहले तो डेरिवेटिव करते फिर जीरो के बराबर रखते हैं, तो सिक्स तो बाहर रहेगा, 20 का जीरो प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 100 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। छोटी सी बात है बिल्कुल, आपको कैसे करना है इसका डेरिवेटिव, 100 अपॉन एक्स है तो यहां पे मैं इसको 100 इंटू एक्स की पावर माइनस में लिख सकता हूं, तो इसमें पावर आगे पावर में से एक कम आएगी तो माइनस 100 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, तो माइनस 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर आया कि नहीं, यस। तो आपको ये काम करना। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखूंगा जीरो के बराबर, मतलब 6 इंटू में 1 माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका रखा जाएगा जीरो के बराबर, तो यार 6 तो जीरो होगा नहीं तो कौन जीरो होगा, 1 माइनस 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर जीरो होगा, यहां से मैं 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा उधर आपका 100, तो एक्स की वैल्यू यहां से वैसे तो दो आएंगे, एक तो प्लस का 10 और एक माइनस का 10, पर हम लेंगे खाली प्लस का 10 क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो एक्स की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो अब आप अगर मिनिमाइज देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, करके देख लेना, सेकंड डेरिवेटिव कर लो इससे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव में आप एक्स ले जाके पुट करना, सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आए और पॉजिटिव आते आप क्या बोलोगे मिनिमाइज, यस। तो एक्स इज इक्वल टू 10, तो यहां पर देखिए 10 मीटर आपका कहा है, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, यस ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी अपना यहां पे होता है बिल्कुल करेक्ट, यस प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यहां पे होता है बिल्कुल करेक्ट। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x की वैल्यू बतानी थी बता दी। अरे बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड द प्रिंटेड मटेरियल इन विड्थ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पेपर यूज्ड। तो यार अभी अभी हमने यहां पे x बताया था और अब ये पूछ रहा है आपसे y, सीधी सीधी बात किसकी कर रहा है, विड्थ की, y की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है, तो y बता देंगे यार, x आपने 10 निकाला था,
एक्स आपने अभी अभी 10 निकाला था, उसको इस रिलेशन में रख दो जो पहले पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, ये रिलेशन एक्स वाई में, इस रिलेशन में हम एक्स रख देंगे वाई अपना आ जाएगा। तो रखते हैं एक्स 10 y मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 60, तो यार y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 60 बाई 10 मतलब कि 6 सेंटीमीटर, y कितना आ गया 6 सेंटीमीटर जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए अपना होता है यहां पे बिल्कुल सही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू वेरी मच।